अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी नया नाम है टेस्ट ऑफ होम। तो फ्रेंड्स, आज से फिर मैं ये इस चैनल में अपने वीडियोस की शुरुआत कर रही हूँ इस नए साल के साथ। तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। और इस वीडियो में आज मैं बनाने जा रही हूँ, तो नए साल का पहला दिन है तो पहले दिन की शुरुआत जो है वो चिकन या नॉनवेज से होनी चाहिए, तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा क्योंकि लोग ज़्यादातर जो है वो नॉनवेज प्रेफर करते हैं बनाना। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ चिकन यखनी पुलाव। चिकन यखनी पुलाव थोड़ा मतलब, क्योंकि ये मटन का ज़्यादा बनता है, तो आज मैं आप लोगों को थोड़े नए तरीके से चिकन यखनी पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। अब बनाते हैं चिकन यखनी पुलाव। तो फ्रेंड्स, चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले थोड़ा काली मिर्च ले लिया है, मतलब मैंने एक छोटा चम्मच लिया है। दो बड़े चम्मच मैंने लिया है साबुत धनिया, दो बड़े चम्मच मैंने सौंफ लिया है, थोड़ी सी मैंने जावित्री ली है और दो मैंने इलायची ली है। और इधर मसालों में मैंने लिया है हरी मिर्ची, मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ले ली है। एक मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया है जिसको मैंने छिल के कट कर लिया है। एक मैंने पूरा लहसुन लिया था जिसकी कलियों को भी मैंने छिल लिया है। और 3 बड़े प्याज लिए हैं जिसको मुझे अभी स्लाइस करना है कट करके। तो और यहाँ पर मैंने ले लिया है 750 ग्राम चिकन। तो यहाँ पर अब चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीला ले लिया है फ्रेंड्स, और उसको मैंने गरम कर लिया जैसे गैस पे। और उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है और 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें देसी घी डालूंगी। तो देसी घी का जो टेस्ट है ना, वो पुलाव में आने से मज़ा ही कुछ और आ जाता है। तो अगर आप देसी घी नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, आप सिर्फ एक ही किसी ऑयल में बना सकते हैं। तो उसके बाद जो मैंने यहाँ पर प्याज जो मैंने कट करके रखी थी उसको जो है मैं इसमें सारा डाल दूँगी। और जब तक प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं तब तक मैं इसे तेज़ आंच पे अच्छे से चलाती रहूँगी। और सबसे लंबा प्रोसेस होता है कोई भी खाना आप बना रहे हो तो, ये प्याज लाल करने का काम ना बहुत ज़्यादा लंबा होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। इसके बाद तो मसाले तुरंत से भुन जाते हैं, बट ये वाला टाइम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम अच्छे से प्याज को पहले गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा ध्यान भटक गया, तो मेरे प्याज हल्के से 1-2 जो है साइड से थोड़े ज़्यादा ही लाल नहीं काले हो गए, बट आप जो है ध्यान पूरा इस पर ही लगा के रखना। तो यहाँ देखिए प्याज जो है अच्छे से वो लाल हो गया है, मैंने जो प्याज किया था वो अच्छे से लाल हो गया है। तो अब फ्रेंड्स, अब जो है हम इसमें से थोड़ा सा प्याज निकाल कर साइड में अलग प्लेट में रख देंगे, और उसके बाद जो हमने चिकन रखा था उसको हम इसमें सारा मिला देंगे। और हम कम से कम चिकन को 3 मिनट तक प्याज के साथ मिलाकर अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका जो पानी ये छोड़ता है वो सूख जाए। और उसके बाद जो हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट दरदरा पेस्ट बनाया है हम उसे डालेंगे। तो अभी इसको हम थोड़ी देर भूनते हैं। इसमें जो हमने हरी मिर्च और अदरक और लहसुन का ऐसी दरदरा पेस्ट बनाया है उसे हम डालेंगे। उससे पहले मैंने थोड़ा सा प्याज जो है वो अलग निकाल के रख लिया है। तो फ्रेंड्स, अदरक का लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालने के बाद मैं इसे चिकन के साथ अच्छे से मिलाऊंगी और कम से कम इसे 2 मिनट तक अच्छे से भून लूंगी ताकि इसका जो कच्चा मन है ना वो अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी साबुत मसाले कुछ, जिसमें मैंने 2 बड़ी इलायची ली है और उसके साथ मैंने 1/2 चम्मच ज़ीरा लिया है और 3 से 4 मैंने लिए हैं लौंग। अब इसको मिलाने के बाद जो है हम इसमें और मसाले भी ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने 3 टमाटर कट किए थे और उनको भी मैंने ऐसे गोल कट किया था, उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिला लूंगी। और टमाटर डालते ही फ्रेंड्स, मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च का यूज़ किया है तो हम लाल मिर्च ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालेंगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको शुरुआत में साबुत मसाले दिखाए थे उसको मैंने ऐसे पाउडर फॉर्म में बना लिया था, और अब मैं इसमें सारे मसाले जो है अच्छे से डाल दूँगी। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच खट्टी दही, आप खट्टी दही का ही यूज़ करिएगा। और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें नमक स्वाद अनुसार, और मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दूंगी चिकन में। और मैं कम से कम इसे 5 से 10 मिनट भूनूंगी ताकि इसका चिकन भुनने के बाद जो किनारे तेल दिखने लगता है ना,
तो उससे ही समझ में आ जाता है कि आपके मसाले अच्छे से एकदम भुन चुके हैं और ये प्रॉपर रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए, अभी आपने देखा है कि यहाँ पर मसाला जो अच्छे से भुन चुका था, किनारे तेल पूरे दिखने लगे थे। और अब मैं इसमें जो है पानी मिला दूँगी, जितना मैंने चावल लिया है उसके हिसाब से। तो मैंने 3 डिब्बे चावल लिए थे, तो मैंने उस हिसाब से इसमें पानी मिला दिया और मैंने कुछ धनिया पत्ती कट करके इसमें मिला दिया। और जो मैंने प्याज रखे थे बचा के फ्रेंड्स, उसको थोड़ा सा मैंने इसमें मिलाया है। और इसे हम जब तक ये पानी बॉयल ना हो जाए तब तक हम इसे ढक कर पकाएंगे। और इसमें मैंने नमक भी टेस्ट कर लिया है और ये देखिए मैंने तेज़ आँच कर दिया है। और अब मैं इसे ढकने जा रही हूँ और उसके बाद जब तक पानी बॉयल नहीं हो जाता है तब तक मैं इसे खोलूंगी नहीं। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ मैंने चावल को पहले से ही फुला के रख दिया था पानी में। मैंने बासमती चावल यूज़ किया है और मैं कुछ साबुत हरे मिर्च भी डाल दूंगी ताकि इससे थोड़ा और टेस्ट अच्छा हो जाए, इन्हांस हो जाए। तो मैं इसे पानी में डाल दूंगी और पानी थोड़ा हल्का बॉयल होने के कंडीशन में आ ही गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी अच्छे से बॉयल होने लगा है और अब मैं इसमें डाल दूंगी चावल जो मैंने पहले से धो के और फुला के रखा था। और अब जो है इसमें मैं चिकन और चावल को तेज़ आंच पे अच्छे से पकाऊंगी ढक के। और मैं सारी चीज़ें अच्छे से मिला दी हूँ, नमक भी मैंने चख लिया है। और सबसे लास्ट काम, इसमें नींबू डालना है, हमने आधा नींबू लिया है और इसको अच्छे से मैं इसमें पूरा डाल के मिला दूँगी। तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और चावल बहुत खिले खिले भी आपके रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पानी अच्छे से बॉयल होने लगा है और इसे मैं ढक के कुछ देर के लिए पकाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखिए इसमें पानी जो है बहुत ही कम बचा है और इसे मैं चारों तरफ से अच्छे से मिलाती हूँ। मैं चेक कर लेती हूँ कि चावल कितने पके हैं कि नहीं पके हैं, कितना अभी पकना है, उसके हिसाब से मैं जो है वो गैस लो और हाई क्या रखना है वो मैं देखूँगी कि लो करना है या मीडियम में करना है। तो मैंने चावल यहाँ पर थोड़ा सा उठा के टच किया था तो वो चावल थोड़े कनी थे, तो मैंने उसको काफ़ी देर तक फिर पकने दिया। और अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है पानी पूरी तरह से सूख चुका है और अब मैं फ्लेम को लो पे कर दूंगी और मैं इसे कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसे ऐसे ही दम पे रहने दूंगी। दम पे रहने से फ्रेंड्स चावल जो है बहुत अच्छे खिले खिले आते हैं और नीचे से वो लगता भी नहीं है। तो अच्छे से मैं दम पे इसको कम से कम 5-6 मिनट तक छोड़ देती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा यखनी पुलाव कैसा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ रेडी हो गया है चिकन यखनी पुलाव। मैंने जो है गैस को बंद कर दिया है और चावल जो अच्छे से एकदम टूटे भी नहीं है ज़्यादा और एकदम खिले खिले हुए हैं। पानी भी बिल्कुल पूरी तरीके से सूख चुका है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए चावल भी अच्छे से गल गए हैं और अब मैं इसे कैसरोल में निकालने जा रही हूँ क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है। और फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है और मज़ेदार बना था ये, हमने इसे खाया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया था। अभी तक हम सिर्फ मटन के यखनी पुलाव बनाते थे, फर्स्ट टाइम मैंने ये चिकन यखनी पुलाव बनाया और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने सोचा आप लोगों से इतनी अच्छी रेसिपी कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और देखिए एकदम गर्मा गर्म और एकदम सारे चावल खिले खिले हैं और मैं इसे अभी निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसे ट्राई करिए, इतनी ईजी रेसिपी को, ज़्यादा मसाले भी नहीं है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता है, कम मसालों में अच्छी चीज़ बनाने को मन किसे नहीं करता है फ्रेंड्स। तो आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये यखनी पुलाव कैसा लगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को, नया चैनल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, इसके साथ खट्टी दही का रायता, सलाद और पापड़ बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए यखनी पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कुकिंग व्लॉग में। तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट फ्रेंड्स।